आज तो मुझे कस्टम खेलने जाना है और अगर जीत गया तो मुझे 10,000 डायमंड मिलेंगे, इसलिए मुझे रेड क्रिमिनल और हिप्पू को पता ना चले वैसे जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, क्रिमिनल तो सो रहा है, सोजा मेरे सुअर बेटे सोजा। केड़ी मेड़ी है सिर्फ मेड़ी, समझा आड़ोकड़े। अब हिप्पू को देखता हूँ, अगर वो सो रहा होगा तो मैं फाइनली कस्टम खेलने जा पाऊंगा, पर मुझे धीरे से दरवाजा खोलना पड़ेगा, थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो ये चिमकांडी उठ जाएगा। चलो अच्छा है, ये चिमकांडी घोड़े बेच के टॉयलेट में सो रहा है, ये लोग उठे उससे पहले मैं भाग जाता कस्टम खेलने वरना जीत करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी अभी सोने की एक्टिंग करके उठा हूँ और शाशा को लगा मैं सच में सो रहा हूँ, बुद्धू कहीं का। और अब मैं सुबके से आदम शाशा के कस्टम में जाऊंगा, मुझे वहाँ डायमंड नहीं चाहिए। यूट्यूबर डायमंड का क्या करेगा, उसे चाहिए कंटेंट, इसलिए मैं आदम शाशा के कस्टम में कंटेंट ढूंढने जाऊंगा। तो गाइस फिलहाल मैं बगैर नहाए धोए ब्रश किए रेडी हो गया हूँ और अब हम जाएंगे आदम शाशा के कस्टम रूम में। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं आदम शाशा के कस्टम रूम में और गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर माहौल बहुत गर्म है, लोग अपना धंधा पानी स्कूल वगैरह छोड़कर यहाँ पर 10,000 डायमंड के लिए लगे पड़े हैं। और ये मारपीट वाली एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ आपको मेरे ब्लॉग में दिखाई जा रही है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। अभी आप देख सकते हो आर्टिकल भाई का पलड़ा थोड़ा भारी है और ये घुसा मार के स्कल मास्टर को नॉक कर दिया। अब अकाउंट खोल खड़ा है कस्टम के बीच में। अरे हाँ बाबू बोलो। बाबू भूखी लगी है, चलो खाना खाने जाते हैं। अरे बाबू अभी नहीं आ सकता, मेरा कस्टम चालू है। तो ब्रेकअप बाय। नहीं बाबू रखो, मैं अभी आया। चलो अब बाबू को खाना खिलाने ले जाता हूँ। अरे आर्टिकल भाई तो इनको नॉक करके सड़े गए। चलो कोई ना, हम इनके हाल चाल पूछ लेते हैं। तो पर्पल बुआ बंडल जी, आपको कैसा लग रहा है नॉक होके? अबे बहुत ईगो है टेढ़े में, सारे बोलना मुझे कंटेंट चाहिए। अबे साले तू तो बहुत ही घमंडी इंसान है, अभी तेरे को बताता हूँ। उप्स किसी ने देखा तो नहीं मुझे इसे लॉबी में भेजते हुए? इसे कट कर दूंगा ब्लॉग में से, फिलहाल यहाँ से भागना सही रहेगा। तो गाइस वो जो बुआ बंडर थे वो कैमरा साइट है, फिर हमने ऑफ कैमरा जाके बहुत सारी बातें की, मिल के अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। नहीं नहीं है, मेरा मतलब कि बहुत अच्छे इंसान है वो, कहीं नहीं गए। अबे धत तड़ी की, अभी ब्लॉग में सच बोल जाता। पर एक मिनट, सामने तो सरपंच जी की कार है, इसका मतलब वो कस्टम खेलने आए है। अच्छा है अच्छा है, चलो मुझे कंटेंट मिल जाएगा। मुझे है सरपंच जी इसके अंदर कैंपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग ही कैंपिंग करते हैं, आम आदमी कैंपिंग नहीं कर सकता। सुनो सरपंच साहब, मुझे पता है आप इसके अंदर हो, मुझे आने दो प्लीज। अरे कौन भोकरिया से? अरे इधर इधर पीछे देखो पीछे। हाँ तो बोल, क्या चाहिए थारे को? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ब्लॉग बनाना है। अंदर आने दो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो। रे ठीक से चल आजा, बना ब्लॉग। थैंक यू सरपंच साहब, आपने तो बढ़िया जगह सुनी है कैंपिंग के लिए। हाँ और ये सोफा टीवी एसी वगैरह तो हम अपने घर से लाए से। बढ़िया सरपंच साहब, तो मेरा एक सवाल है, अगले 2 साल के क्या प्लान है बरमुंडा के लिए? अरे आप लोग मन ने वोट दो, मैं परिवर्तन लाऊंगा बरमुंडा मैप में। बरमुंडा के हर मुंडे को डायमंड मिलेगो, वो भी फ्री। एक मिनट सर, मैं यूट्यूब पे लाइव कर देता हूँ, फिर बरमुंडा का हर नागरिक आपको सुन पाएगा। ठीक से वही कर। सर यू आर लाइव नाउ। मेरे प्यारे बरमुंडा वासियों, अगले इलेक्शन में आप लोग मुझे ही वोट देना, आलोक को नहीं, क्योंकि आलोक की पार्टी झूठे वादे करे से, उनमें कोई दम ना से, 07 से हराया था मैंने उन्हें कस्टम में। थैंक यू सर, आपसे मिलके अच्छा लगा, अब मैं सरता हुआ। मेंशन नोट, और ये जगह का किसी को नहीं बताना, हमें ये कस्टम जीतना से। अरे सरपंच साहब टेंशन मत लो, ठीक है मैं भरोसे के लायक हूँ। चलो अब मैं आदम शाशा को ढूंढने चलता हूँ। पर एक मिनट यार, मैं मेरी कार तो क्लॉक टावर पे ही भूल आया। एक काम करता हूँ, सरपंच की कार लेके भाग जाता हूँ, वैसे वो बाहर तो आ नहीं पाएगा, कैंपिंग कर रहा है इसलिए। अरे कौन मारी कार लेके भाग रिया से नुबड़े, रुक जा। और ये स्काइलर ने क्या व्हाट्सएप पे मैसेज किया है? अरे ये तो क्रिमिनल का लाइव है, चलो अब देखता हूँ क्या है इसमें। अरे आलोक एक नंबर का नूबड़ा से बोट चिमकांडी, उसे वोट ना देना इलेक्शन में, मुझे देना। ओए अभी बताता हूँ तुझे। नहीं मेरा मतलब है कि तुझे। ओए भाई लोग आप यही रुकना, मैं अभी उस सरपंच को ठिकाने लगा के आता हूँ। अरे आलोक भैया आपको पता है वो कहाँ है? हाँ मुझे पता है, क्रिमिनल की लाइव स्ट्रीम में सरपंच का लोकेशन दिख गया है। अरे भाई मजा आ गया, सबको भड़का दिया मैंने आलोक के खिलाफ। ओए नुबड़े अब मैं तुझे लॉबी में भेज दूंगा, फिर सबको मुझे ही वोट देना पड़ेगा, ये ले।
और चलो अब मैं कस्टम में ध्यान देता हूँ, इलेक्शन वगैरह तो मैं ही जीतूंगा। गाइस फाइनली ये लो, हमें आदम शाशा मिल चुके हैं। आदम शाशा साला बहुत कैंपिंग करता है। अबे नुबड़े, मना किया है ना तुझे मैं कस्टम खेलू वहाँ नहीं आने का। चलो निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, वरना रात को तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। ठीक है शाशा, आप बोल रहे हो तो मैं सड़ा जाता हूँ। ठीक है चल घर पे चला जा, मैं शाम को मिलता हूँ तुझे। चलो अब शाशा ने बोला है तो मुझे जाना पड़ेगा, पर एक काम करता हूँ, एक लास्ट सिनेमैटिक शॉट ले लेता हूँ। आपको मेरे सिनेमैटिक शॉट बहुत पसंद है ना, इसलिए। और आज तो मजा आ गया, मैंने एक ही बारी में सरपंच की पूरी गैंग को उड़ा दिया। वाह अभी 12 बंदे ही बचे है, बुआ तो सिर्फ मेरी ही है। नहीं ब्रो ये तुम्हारी गलतफहमी है, अब लॉबी में जाने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं आदम प्लीज मुझे छोड़ दे यार। पर इसमें मेरा क्या फायदा। अरे मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताता हूँ, उससे तुम जो भी चाहोगे वो हो जाएगा। चलो गाइस अब है सिनेमैटिक टाइम। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। वो मंत्र है आबरा का डाबरा। अच्छा बेटा अभी देखता हूँ, चल आबरा का डाबरा बुआ हो जा। अरे ये मंत्र सच में काम कर गया क्या। अरे क्रिमिनल जाते जाते तुम दोनों के अलावा सबको लोबी में भेजता गया, इसीलिए बुआ हो गई। अरे क्या करूँ, कहाँ से कंटेंट निकालू कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एक सेकंड, ये तो हिप्पू के दोस्त है, यहाँ सड़ता हूँ कंटेंट मिल जाएगा। क्या बात है, हिप्पू के दोस्त तो नॉर्मल है, मुझे तो लगा वो भी उसकी तरह अजीबो गरीब होगी। बाबू मसाई सिंटू मिंटू पपलू कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। अरे हिप्पू ब्रो हम आगे ब्रो, चल गेम शुरू करते हैं। अरे बापरे इसका मुंह किधर है, ये लोग तो बहुत डेंजरस लगते हैं। चलो भाई लोग गेम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा बोतल उड़ाता है। अरे हिप्पू ये गेम तो मेरे को भी खेलना है। नहीं ये गेम तू नहीं खेल सकता, ये सिर्फ हिप्पू गेम के लिए ही है। ठीक है साड़ो तुम लोग खेलो, मैं देखता हूँ दूर से ही। चलो भाई लोग रेडी स्टेडी एंड फायर। हमने भी खची गोलियां नहीं खेली है, ये देख। अरे बापरे भागो, ये तो वार जोन डिक्लेयर हो गया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे बार बार बसा में पुलिस से, अच्छा हुआ मैं जंगल साइड आ गया, यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। पर एक मिनट यार ये पिगू यहाँ क्या कर रहा है, एक काम करता हूँ इसके पीछे पीछे जाके देखता हूँ, जरूर वो अपनी बाबू को मिलने आया होगा इधर। हेलो डगन बॉस, हमारे बॉस आ गए हैं, अब बात शुरू करते हैं। यहाँ उपस्थित डगन बॉस, चाइनीज माफिया, डॉक्टर साहब और मेरे चेलो को मेरा तहे दिल से नमस्कार। अरे नमस्कार पिगू साहब। नमस्कार सर। निहाओ नमस्कार मेरे आका। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, हमें चाइनीज बैंक लूटनी है और जो भी हमारे रास्ते का काटा बनेगा उसे हम उड़ा देंगे। रे ठीक कहा पिगू। अबे पिगू तू क्या ये इंसानों जैसी बात कर रहा है, बैंक लूटने की और सबको मारने की। नहीं क्रिमिनल मैं इंसानों जैसी बातें नहीं करता, बल्कि इंसान हम जानवरों जैसी बातें करते हैं। मुझे लगता है पिगू तू सठिया गया है, और तेरे बाजू में ये जो बूढ़ा बैठा है वो पागल है, उसका इलाज करने के लिए ये डॉक्टर आया है और साथ में चाइनीज नर्स है। कुल मिला के तुम लोग यहाँ घर घर खेल रहे हो, ठीक है खेलो खेलो। अरे सरकार आप इस नादान इंसान को छोड़ो और अपने एजेंडा पे कायम रहो। तो आज हम वो चाइनीज बैंक लूट के उसका पैसा जरूरतमंदों को दे देंगे, और मैंने एडवांस्ड वेपन मंगवा लिए है, वो आते ही होंगे। पर पिगू बैकअप के लिए तूने किसे बुलाया से। मैंने बैकअप के लिए हमारे सबसे वफादार साथी रशियन माफिया को बुलाया है। अरे पिगू थोड़ी औकात में फेंक यार। तो चलो साथियों वो पहुंचते ही होंगे, हम रोड पे चलते हैं। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिगू बुद्धू है या वो मुझे बुद्धू बना रहा है। हे मिस्टर पिगू नाइस टू मीट यू अगेन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट इनटू द कार। यस बडी वी आर रेडी लेट्स गो। अरे ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मिस्टर पिगू डू यू वांट टू ड्राइव। नो मैन आई फॉरगॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस। ओके माय मैन देन आई विल ड्राइव।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा।